आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है अगर आपको हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये दोनों चीजें काफी अलग है। हेयरफॉल होना एक अलग चीज है। हेयरफॉल होना मतलब आपके बाल टूट रहे हैं, इसको फिक्स करना थोड़ा इजी है। लेकिन रिसीडिंग हेयरलाइन जो की है आपकी, ये जो बाल होते हैं यहाँ से ये धीरे 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 पीछे चले जाते हैं दोनों साइड से और आप काफी अजीब दिखते हो। तो आज का वीडियो देखते रहिए, आज मैं कंप्लीटली इसी बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी कौन सी गलतियों की वजह से आपको रिसीडिंग हेयरलाइन या फिर हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो रही है। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। हेयरफॉल के टॉपिक को हम बाद में टच करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रिसीडिंग हेयरलाइन के बारे में। अब रिसीडिंग हेयरलाइन क्या सीन है, ये क्यों होता है? देखिए बेसिकली इसकी ना तीन वजह है। सबसे पहली है और सबसे मेन है आपकी हेरिडिटी। आपके दादाजी को थी, आपके पापा जी को है और हो सकता है ये फ्यूचर में चल के आपको भी कभी ना कभी हो जाए। सेकेंड चीज आती है, आप गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। आपकी डेली लाइफस्टाइल रूटीन पूरा गलत है। आप अजीब से अपने बालों के साथ अपने बालों को ट्रीट कर रहे हो, ये हो सकती है दूसरी वजह। और तीसरी वजह ये हो सकती है, आप न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हो, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे जो आपके बालों को चाहिए। तो ये तीन वो वजह है जिससे आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। तीन चीजों में सबसे ईजी है सॉल्व करना आपके न्यूट्रिशन को, सेकेंड है आपकी लाइफस्टाइल रूटीन थोड़ा चेंज करना, और सबसे मुश्किल चीज है आपके जेनेटिक्स। ये तो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके पापा जी को हेयरफॉल हो रहा है, रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है, तो ये इन फ्यूचर आपको भी होने वाली है। लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, अगर हम प्रॉपर हेयर केयर रूटीन बना के रख रहे हैं, तो उम्मीद है आशा है कि आपको शायद वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी कुछ गलतियां जो आप कर रहे हो और जिस वजह से आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मिस्टेक नंबर वन ये है कि आप जो भी हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसको काफी डीप ले जा रहे हो। अगर आप हेयर वैक्स यूज कर रहे हो या हेयर जेल यूज कर रहे हो, आप उसको एकदम रूट्स तक लगा रहे हो, मतलब समझो यहाँ तक ऐसे ऐसे अच्छे से अप्लाई करके लगा रहे हो। आपको ऑयल ऐसे अप्लाई करना है, हेयर वैक्स या फिर हेयर जेल इतना डीप में जाके आपको अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहली गलती आपकी ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, चाहे वो हेयर वैक्स हो चाहे वो हेयर जेल हो, वो आप अपने बालों के रूट्स तक लगा रहे हो। मिस्टेक नंबर टू, और इसको तो आप मना भी नहीं कर पाओगे, बार बार अपने बालों में हाथ डालना इस तरीके से, ये स्टैंड बार बार ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ ना अभी, बार बार इस तरीके से करना। अब देखो आप जब ऐसे करते हो तो ये बालों में फ्रिक्शन होता है और ये बाल चांसेस है कि ये पीछे 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 हो। तो अवॉइड करो बार बार अपने बालों में हाथ डालना, अपने बालों से खेलना बंद करो। आपने एक बार बाल बना लिए, उसके बाद बार 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 हाथ डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे आप अपने बालों को कंप्लीट एक नुकसान पहुंचा रहे हो। मिस्टेक नंबर थ्री, आप अपने टुवाल से अपने बालों को पोंछते नहीं हो, आप अपने टुवाल और अपने बालों के बीच में कुश्ती कराते हो। ये टुवाल लिया पता नहीं किस टाइप से इतना रगड़ रगड़ के साफ करते हो कि इससे अगर किसी को हेयरफॉल की प्रॉब्लम अगर नहीं भी हो ना भाई, और इस टाइप से अगर वो रगड़ के धोएगा ना, तो उसको ऐसी हेयरफॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको हल्के हाथों से टुवाल को पकड़ना है, हल्के हाथों से अपने बालों को सुखाना है। ऐसे नहीं कि आप बस टुवाल लिया और रगड़ना चालू, ततड़ 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 चालू कर दो, तो ऐसे आपको नहीं करना है। मिस्टेक नंबर फोर, हेयर ड्रायर का यूज करना। देखिए हेयर ड्रायर यूज करना गलत नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार अपने बालों को डैमेज कर चुका हूँ, उसके बाद मैंने यूज करना बंद कर दिया। डैमेज क्यों किया था, मेरी ही गलतियाँ थी, मुझे उस टाइम पे हीट प्रोटेक्टर के बारे में आइडिया नहीं था। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जो शायद हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो और उनको पता नहीं है हीट प्रोटेक्टर क्या होता है। तो आपको पहले हीट प्रोटेक्टर लगाना होता है, उसके बाद आपको हेयर ड्रायर यूज करना है, वरना आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम या रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम बहुत आराम से स्टार्ट हो सकती है और आप अपने बाल डैमेज करोगे वो अलग। मिस्टेक नंबर फिफ्थ, प्रॉपर हेयर केयर प्रोडक्ट यूज नहीं करना। आप पता नहीं कोई अजीब से हेयर केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिस वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आपको वो चीजें देखनी है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए सही बैठ रहा है या मेरे लिए मेरे को हेयरफॉल की प्रॉब्लम अराइज कर रहा है। वो आपको ही चेक करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए किस टाइप से वर्क कर रहा है। वो जो भी आप शैम्पू यूज कर रहे हो, जो भी आप वैक्स या फिर जो भी आप जेल यूज कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या मेरे बालों के लिए ठीक है या नहीं है। अगर आप इतनी गलतियां कर रहे हो तो पूरे के पूरे चांसेस है कि इन फ्यूचर या तो अभी आप हेयरफॉल या फिर रिसीडिंग हेयरलाइन, ये दोनों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर आप ये दोनों प्रॉब्लम शायद इन फ्यूचर फेस करने वाले हो। तो ये तो बात हो गई क्यों होता है, लेकिन अब मेन टॉपिक आता है कि इससे बचे कैसे। सबसे पहले मैंने जो आपको पांच गलतियां बताई है ना, इनको अगर आप कर रहे हो तो प्लीज करना स्टॉप कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। ये जो गलतियां इन सबको आप सुधार लीजिए, ये गलती आप स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको वीक में दो दिन, सब लोग बोलते हैं एक दिन, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूंगा दो दिन अच्छे से हेयर मसाज लो अगर आपको हेयर फॉल या फिर रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो रही है। वीक में दो बार ऑयल कौन सा यूज कर सकते हो, अगर आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है
तो कोकोनट ऑयल के अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स करो और उसको अप्लाई करो। कोकोनट और कैस्टर दोनों को मिक्स करना है, दोनों को थोड़ा सा गर्म करना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गर्म करना है और उसको अपने बालों में लगाना है, अच्छे से मसाज करनी है, कम से कम 10 मिनट तक हल्के हाथों से धीरे धीरे मसाज करना और उसको नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू से वॉश कर लेना। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको सिर्फ हेयरफॉल की प्रॉब्लम है, रिसीडिंग हेयरलाइन आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ हेयरफॉल, तो आप यूज कर सकते हो कोकोनट ऑयल, उसको भी आपको सेम गर्म करना है और अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ऑयल नाम आते हैं, जैसे बीच में मैंने पहले मैं यूज कर रहा पैराशूट, फिर मैंने ट्राई किया पतंजलि का भी ऑयल, सब कुछ मैंने यूज करके देखे ऑयल्स के अंदर, उसके बाद मेरे को लगा कि पैराशूट जैसा ऑयल कोई नहीं है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको कोकोनट ऑयल चाहिए तो पैराशूट का कोकोनट ऑयल मेरे हिसाब से बहुत 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 अच्छा है, आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है तो कोशिश करो कि आप अपने बालों को बार बार अपसाइड 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 ऐसे मत करो, हो सके तो एक नॉर्मल हेयर स्टाइल पसंद कर लो जब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वरना मेरे भाई बाल ही नहीं बचेंगे तो आप स्टाइल क्या करोगे। तो अगर आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है तो कोशिश करो बार बार ये वाली जो हैबिट है ना इसको स्टॉप कर दो। अब बात करते हैं हेयरफॉल के लिए, अगर आपको हेयरफॉल की प्रॉब्लम है ना तो जो भी आप प्रोडक्ट यूज करो उसको अपने रूट्स तक बिल्कुल भी मत लगाना। अब बात करते हैं डाइट की, तो आपको प्रोटीन जितने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सको उतना ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है। प्रोटीन आपको किस चीज में मिलेगा, जो आपके घर में दाल बनती है ना, रोज रात को एक कटोरी दाल पीने की आदत डाल लो, इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपके शरीर को जो प्रोटीन चाहिए, आपके बालों को जो प्रोटीन चाहिए वो भी यहाँ से बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आपको अपनी रूटीन में ऐड करना है, रोज आपको दाल पीनी है, हर एक दाल के अंदर प्रोटीन होता है, आपके हिसाब से आप कोई भी दाल सिलेक्ट कर सकते हो। आप ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करोगे तो थोड़े टाइम के अंदर आपको पता चलेगा कि आपकी जो हेयरफॉल की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो रही है, और आपकी जो रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है वो आप देखोगे कि एक हद तक जाके रुक चुकी है और धीरे 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 वो वहां पे हेयर रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, हेयर रीग्रोथ होगा कैस्टर ऑयल से। तो प्लीज ऑयलिंग बिल्कुल भी मत भूलना, कोकोनट ऑयल प्लस कैस्टर ऑयल दोनों को मिक्स करना, कोकोनट थोड़ा ज्यादा रखना, कैस्टर थोड़ा कम रखना ऑयल, और उसको गर्म करना और अच्छे से मसाज करके अप्लाई करना, आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाइयों प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए इसी टाइप की वीडियोस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।